हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन ही है। प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा। यह सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2002, 2003, 2005 कंपार्टमेंटल बहुत बार ये पूछा जा चुका है। मेरे पास आर एस अग्रवाल का बुक है, चूँकि बहुत पुराना एडिशन है, हो सकता है रिसेंट में भी आया होगा तो वो पता नहीं मुझे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से आप प्रूफ करेंगे। और विश्वास मानिए कि थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, या तो LHS और RHS दोनों से लेकर हम लोग प्रूफ करेंगे, या फिर LHS से RHS लेके जाएंगे। दोनों से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं LHS से लेकर के। तो LHS आपके पास क्या है, sec थीटा माइनस नहीं प्लस टेन थीटा एंड माइनस वन बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा एन प्लस वन। हमेशा याद रखेंगे इसमें, जब भी आप बनाते हैं फार्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपके पास है ये सेक थीटा एन प्लस टेन थीटा, और जब भी वन आपके पास है तो हमेशा याद रखेंगे कि ये दोनों से रिलेटेड कुछ ऐसा जरूर फार्मूला होगा जिसमें आपस में वन होता है, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू वन होता है, यानी वन के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब क्या है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये जो है सो रहेगा। कारण आप आगे आपको पता चलेगा, आप खाली थोड़ा सा यदि आगे देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा प्लस वन ये हो गया आपका। दैट इज अब इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए ये जो है अब इसको तोड़ेंगे आप, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब इस फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे ये sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों इसमें शामिल है। तो इसमें से जो sec थीटा प्लस टेन थीटा और इसमें sec थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों को हम लोग कॉमन निकालेंगे। थोड़ा सा एडवांस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी sec थीटा प्लस टेन थीटा ये जो है आपके पास कॉमन आ गया, और ये बच गया क्या, यहाँ पे बच जाएगा आपका वन, और माइनस इसमें देखिए sec थीटा माइनस टेन थीटा ये बचेगा, यहाँ पे sec थीटा माइनस टेन थीटा ये आपका बचा, क्योंकि ये और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। नीचे में जो है ये आपके पास है टेन थीटा माइनस sec थीटा एन प्लस वन, ये आपका है। दैट इज आप आगे जब इसको बढ़ेंगे, ये आपका sec थीटा एन प्लस ये टेन थीटा, ये तो आपका है, इसको जब करेंगे वन माइनस ये हो जाएगा आपका sec थीटा, एंड ये माइनस ये आपका हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए वन पॉजिटिव है तो वन को पहले लिख दीजिए, माइनस sec थीटा भी रहेगा एंड प्लस ये टेन थीटा भी होगा, मतलब सेम चीज है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका यहाँ पे बच गया ऊपर में sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए ये आ गया, इसके बाद आपको यहाँ से जो है फिर यहाँ तक चलना है। उपाय क्या है सो देखिए, दिमाग कहाँ पर आप लगाएंगे उसको भी आपको जानना है। इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू होगा sec थीटा का वैल्यू, जब आप इसको चेंज करेंगे तो वन बाई cos थीटा होता है sec थीटा का वैल्यू, एंड प्लस tan थीटा का होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और इन दोनों में जब LCM लेंगे तो ये आपका आएगा cos थीटा, ये आपका वन प्लस sin थीटा। देखिए ये तो आपका प्रूव नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा, नीचे में वन माइनस साइन थीटा लाना है। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू यदि हम इसको ये कर लें कि ऊपर नीचे, चूंकि वन प्लस साइन थीटा है तो वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, जगह कम है हमारे पास। वन प्लस ये आपका साइन थीटा है बाय ये आपका कॉस थीटा है इंटू हम लोग करेंगे वन माइनस साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा, इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फायदा क्या हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया वन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर दैट इज वन हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय ये आपका हो गया कॉस थीटा, एंड ये बच गया आपका वन माइनस साइन थीटा ये वाला। अब इससे क्या हो गया कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू हो गया वन माइनस साइन थीटा। एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें। ये हो गया, ये हो गया, बच गया आपके पास ऊपर में क्या, ये बच गया कॉस थीटा बाई वन माइनस ये हो गया आपका
साइन थीटा, जो कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रूव करने का था, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया आर एच एस प्रूव्ड। ये हो गया आपका आर एच एस प्रूव्ड। आपको इसको बनाना है इत्मीनान से, एकदम 100% सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।